औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आप सबका स्वागत है अरबिक मास्टर हिंदी में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अरबिक भाषा के जो अक्षर हमारे पास होते हैं 28 या फिर 29। अक्षरों के अंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किस तरीके से हमने हरकात और तनवीन को देखा, और जज़्म ये जो होता है ये हमारा हलंत की तरफ प्रयोग किया जाता है। और हमने ये भी देखा था किस तरीके से हम अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। अरबी भाषा में किसी भी शब्द पहले दो पेश वाली हालतों में पाया जाता है, किताबुन इंसानुन बाबुन, ये उदाहरण भी हमने देख लिए थे। और हमने ये भी देखा था कि कुरान में हमें कोई भी अर्थहीन शब्द नहीं पाया जाता, सिर्फ अर्थ वाले शब्द ही पाए जाते हैं जिन्हें हम कलिमा कहते हैं। किसी भी भाषा में शब्द के भेद होते हैं, इसी तरह अरबी भाषा में हमारे पास कलिमा के तीन भेद होते हैं, एक इस्म, एक फेल और एक हर्फ। इस्म कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को। यहाँ पर हिंदी में हमने देखा था सिर्फ संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर अरबी भाषा में संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, इन तीनों के समूह को हम इस्म कहते हैं। फेल जो था हमारा, वो फेल जो मतलब वो होता है हमारा क्रिया होता है, क्रिया काम वाले शब्द। ये जो हर्फ था वो पार्टिकल, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कलिमा के हमारे पास तीन भेद हैं, इस्म, फेल और एक हर्फ। किसी भी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। मैंने ले लिया लड़के का नाम बिलाल। चीज़ का नाम पुस्तक। जगह का नाम मक्का। यहाँ पर मैं अलग से अच्छा ये भी इसके अंदर लूंगी। अच्छा जो तो वो होता है विशेषण होता है, लेकिन जैसे हमने अभी कहा था विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा, इन तीनों के समूह को हम इस्म कहते हैं। फेल, हिंदी भाषा में हमारे पास भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन काल होते हैं। लेकिन अरबी भाषा में भी हमारे पास तीन काल होते हैं, लेकिन यहाँ पर माजी और मुजारे। विशेष तौर पर ये दोनों ही हालत में हम देख सकते हैं। माजी जो होता है वो हमारा भूतकाल होता है। मुजारे जो होता है वो वर्तमान और भविष्य, इन दोनों का समूह होता है। इन दोनों के समूह को हम मुजारे कहेंगे। हर्फ के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। जब हम इन दोनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे तब हम हर्फ को इन दोनों के साथ ही पढ़ेंगे। पहला है हमारा इस्म। इस्म होता है किसी भी चीज़ का नाम। देखिए, इस्म को जानने के लिए चार चीज़ें जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। इस्म का लिंग यानी इसका जेंडर, इस्म की संख्या यानी इसका नंबर, इस्म की स्थिति उसका स्टेटस, इस्म की वुसअत उसका स्कोप। लिंग, संख्या और वुसअत से तो आप थोड़ा बहुत परिचित ही होंगे, लेकिन ये स्थिति जो है ये कुछ हमारा नया नया सा लग रहा है, तो मैं आज आपको स्थिति से शुरू करती हूँ। स्थिति को अरबी भाषा में हम लोग एराब कहते हैं। शुरू करती हूँ एराब। ये सवाल ये उठता है कि हमें
एक शब्द की स्थितियां बनाने की क्या आवश्यक पड़ती क्या आवश्यकता होती है? मैं यहाँ पर आपको एक हिंदी भाषा में एक वाक्य लिखकर दिखाती हूँ। बिलाल ने हामिद की सहायता की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलाल जो है वो करता है, हामिद जो है वो कर्मा है। यहाँ पर हम इस बिलाल को कर्ता और हामिद को कर्मा की कर्मा इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ने और की ये दोनों हमारे पास शब्द हैं, इसलिए हम लोग कर्ता और कर्मा को बिलाल और हामिद की तरह पहचान सकते हैं। लेकिन अरबी भाषा में हमारे पास एक शब्द की तीन स्थितियां होती हैं। ये हालत हम लोग कर्ता की तरह प्रयोग करेंगे और ये हालत हम लोग कर्मा की तरह प्रयोग करेंगे। इसे हम हालत रफा, इसे नसब और इसे जर कहते हैं। इसे हम लोग हामेदुन, मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बाद में बोलूंगी। देखिए हमारे पास इस्म के तीन भेद होते हैं स्थिति के अनुसार। एक होता है मुनसरिफ, एक गैर मुनसरिफ इस्म के तीन प्रकार होते हैं स्थिति के हिसाब से, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी। स्थितियों का प्रयोग हम लोग कर्ता और कर्मा की हालत को दर्शाता है। यहाँ पर हमने देखा कि बिलाल ने हामिद की सहायता की। यहाँ हमें कर्ता का पता ने की वजह से और कर्मा का पता की वजह से चला है। लेकिन अरबी भाषा में हमारे पास ने और की इस तरह के शब्द नहीं पाए जाते, इसलिए हमारे पास तीन तरह की अलग अलग हालतें पाई जाती हैं। इसे ये होता है हालत रफा, जो होता है कर्ता की तरह काम करता, ये कर्ता की तरह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने बिलाल ने ये अलग से लिखा। यहाँ पर हामिदुन का मतलब ही होता है हामिद ने, यहाँ पर हामिदन का मतलब ही होता है हामिद की मदद की गई या फिर हामिद की सहायता की गई। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव सेंस में प्रयोग किया जाता है और ये सब्जेक्टिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने दो पेश को, दो जबर को और दो जेर का प्रयोग किया। लेकिन गैर मुनसरिफ इसमें हम लोग सिंगल जबर, सिंगल पेश या सिंगल जेर का यानी कि हरकात का प्रयोग करेंगे। हामेदुन, हामेदन, हामेदिन। ये होता है, ये हमारा मुनसरिफ इस्म। इब्राहिमो, इब्राहिमा, मूसा, मूसा, मूसा। ये हमारा मबनी इस्म। जब हम लोग तनवीन का इस्तेमाल करते हैं हम उसे मुनसरिफ इस्म कहते हैं। जब हम लोग सिर्फ हरकात का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे गैर मुनसरिफ इस्म कहते हैं। और ये जो बिना हनकार या बिना तनवीन का जो प्रयोग किया जाते हैं शब्द, उसे हम मबनी इस्म कहते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। इराक जो होता है, किसी भी शब्द को अरबी भाषा में लाने के और इराक कहते हैं। इराक की तीन हालतें होती है हमारे पास, इराक की चौथी हालत नहीं पाई जाती।